92.7 Big FM पर Big Music Highway in association with Paddy Fields. संडे स्पेशल डे होता है और संडे शाम को 6 बजे और भी ज्यादा स्पेशल सुनाई देने लगता है, दिखाई देने लगता है, क्योंकि बिग म्यूजिक हाईवे का वक्त हो जाता है. 92.7 बिग एफएम और पैडी फील्ड्स लेकर आते हैं बिग म्यूजिक हाईवे. पैडी फील्ड्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोशिश है फोक म्यूजिक को मासेस तक पहुंचाने की, एक कॉन्सर्ट भी, एक मुहिम भी. और आज बिग म्यूजिक हाईवे में शिरकत कर रहे हैं मेरे बहुत ही ज्यादा फेवरेट, आई एम श्योर आपके भी उतने ही ज्यादा फेवरेट, कमाल की आवाज और कमाल के सुर में रहते हैं. तो जब पैडी फील्ड यानी धान की खेत की खुशबू की बात होती है तो जो राइस बोल है आसाम, वहां से फोक की खुशबू आए, म्यूजिक की खुशबू आए, आवाज वहां की हो तो क्या बात है. पापोन राइट फ्रॉम द पैडी फील्ड ऑफ इंडिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड taking time for us. Thank you for bringing me here. It's an honor. It's a blessing that I am doing all this. Thank you guys. अब तो आप बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं सिंगिंग के फील्ड में, लेकिन इस म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत कहाँ से होती है? मेरा बैकग्राउंड, मैं एक बड़े म्यूजिक फैमिली से हूँ, मेरा फोर्थ जनरेशन हूँ. मेरे माँ और पिताजी ने, मैं देवता बोलता हूँ, देवता और माँ ने मुझे तालीम सारा दिया और नॉन इम्पोजिंगली दिया. मुझे नहीं बोला कि तुम्हें म्यूजिक करना है, मुझे बस ऐसे माहौल में पैदा किया, ऐसे सिखाया कि वो जैसे अभिमन्यु ने सीख लिया था अनजाने में अंदर ही, मैं भी माँ के कोख में मैंने वो सीखा है मुझे लगता है. तो आई गेट कनेक्टेड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक. तो लेकिन मेरा करियर, मैंने ना आर्किटेक्चर करने के लिए दिल्ली गया था, पढ़ने गया था, एकेडमिक जरूरी था. उस डिसीजन में मैंने छोड़ के मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया और फिर वो भी छोड़ दिया बीच में दिल्ली यूनिवर्सिटी से. तो आई थिंक हाँ, मतलब पहला कॉन्सर्ट बहुत लेट, मैंने एक एल्बम बनाया बहुत देर से जिंदगी में, बिकॉज आई हैव रियलाइज लेट इन लाइफ कि मुझे म्यूजिक करना है. और मैं घर से और उस माहौल से दूर जाके मैंने खुद को फिर ढूंढा और आई थिंक तब जाके मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मुझे म्यूजिक करना है. मेरा एल्बम था फर्स्ट जुना की राती, उसी को लॉन्च करने के लिए, वो भी नहीं कर रहा था मैं, 2 साल लॉन्च करने के बाद एक दोस्त ने बोला कि यार इसको परफॉर्म कर, मैं पैसा डालता हूँ, शो मैं बनाता हूँ. रॉन्जी करके मेरा दोस्त है गुवाहाटी में, उसका एक ढाबा करके रेस्टोरेंट है, उसने पैसा डाला और वो पहला शो था मेरा और काफी बड़े पैमाने में था क्योंकि तब एक्चुअली सब जान गए थे एल्बम को, तो इसलिए काफी, मतलब वहीं से शुरू किया. आई थिंक व्हिच सॉन्ग वाज दैट? जुना की राती एक गाना था. सर मे आई हैव द प्रिविलेज ऑफ आस्किंग यू? एक्चुअली एल्बम का पहला गाना और पहला जिंदगी का भी गाना होगा मेरा अपना, इरशाद. हाँ, उसका नाम है फागुन. फागुन इज द महीना. यस, माय फेवरेट मंथ. वाओ. मनु पूरी घुसी जाए कि जानू पायु हेरुआ फागुन रे उरनिया बा आलो हुआ कुमार सा. और इस तरीके से एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिकल जर्नी की शुरुआत होती है. फ्यूजन वर्ड, इस वर्ड से क्यों चिढ़ जाते हैं पापोन, वजह है जानेंगे. म्यूजिकल जर्नी चल रही है बिग म्यूजिक हाईवे पे. एक एल्बम, बहुत ही खूबसूरत नाम उसका, द स्टोरी सो फार. तो स्टोरी सो फार हमने सुन ली है, छोटी छोटी बातें चलती रहेंगी, यही गाना भी है पापोन का, ये सुन ले. 92.7 बिग एफएम पर बिग म्यूजिक हाईवे, आज पापोन हमारे साथ. 92.7 बिग एफएम पर बिग म्यूजिक हाईवे इन एसोसिएशन विद पैडी फील्ड्स. संडे शाम बहुत ही हसीन शाम हो जाती है क्योंकि हिंदुस्तान के कोने कोने से बटोर कर फोक म्यूजिक आपके सामने लेकर आते हैं हम बिग म्यूजिक हाईवे में. 92.7 बिग एफएम और पैडी फील्ड्स. पैडी फील्ड्स एक कोशिश फोक म्यूजिक को मासेस तक पहुंचाने की, एक बहुत ही बड़ा कॉन्सर्ट भी होता है पैडी फील्ड्स का. और आज बिग म्यूजिक हाईवे में हमारे साथ, क्या बोलूं उनके आवाज के बारे में, पापोन, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत स्वागत. और फ्यूजन ये जो वर्ड है, इससे क्यों प्रॉब्लम है आपको? आप करो म्यूजिक को आजकल, एक्सपेरिमेंट करो और गलत हो सही हो आप एक्सपेरिमेंट करो तो आप पेश करते हो उसको फ्यूजन बोल के. मुझे फ्यूजन काफी ऑब्वियसली लॉट ऑफ कंफ्यूजन लगता है बिकॉज यू नो
फ्यूजन एक जमाना था मेरे लिए जब फ्यूजन म्यूजिक में, फ्यूजन फ्यूजन तो अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब है दो चीजों का मिश्रण, तो फ्यूजन जब म्यूजिक में शुरू हुआ था हमारे ही तरफ से इंडिया के या फिर इस दुनिया के इस कोने से, तो हमारे लिए जो वेस्टर्न म्यूजिक है उसको हमारे इंडियन क्लासिकल के साथ फ्यूज किया गया था। और उस जमाने में हमें पता भी नहीं था कि वहाँ म्यूजिक किस तरह का होता है क्या होता है, बहुत कम प्रिविलेज लोगों के पास LP रिकॉर्ड होते थे वगैरह, लेकिन हमारे पूरे आम जनता को नहीं पता था। तो कुछ लोग जो घूमने गए थे उन्होंने देखा म्यूजिशियंस ने, तो उन्होंने फ्यूज किया, फ्यूजन बोला गया और एप्टली फ्यूजन बोला गया कि सच में फ्यूज हुआ था बहुत दो अलग म्यूजिक का, बट उसमें म्यूजिक इज वही है, सात सुर है और कुछ ताल है दुनिया में, तो उन्हीं को मिलने के लिए ये किया गया, बट वो अलग अलग कलर है लेकिन मिल जाता है, बहुत 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 रॉकेट साइंस नहीं है फ्यूजन करना, मतलब म्यूजिक कहीं का भी हो कुछ कनेक्ट होता है। तो अब जाके मुझे लगता है कि ना फ्यूजन करते 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 अब मैं जब म्यूजिक करता हूँ मुझे पूछा गया कि फ्यूजन है, अब मुझे प्रॉब्लम है कि मैं क्या फ्यूज कर रहा हूँ बोलने को, क्योंकि मैं ये इंडियन क्लासिकल मीट्स वेस्टर्न क्लासिकल नहीं कर रहा हूँ और वेस्टर्न रॉक नहीं कर रहा हूँ, मैं मे बी हिप हॉप मीट्स ट्रिप हॉप मीट्स ठुमरी कर रहा हूँ, मैं मे बी गज़ल मीट्स एम्बियन इलेक्ट्रॉनिका मीट्स ट्रांस कर रहा हूँ, या फिर मैं शायद रॉक को ब्लूज के साथ मिलाते हुए फोक कर रहा हूँ, तो फ्यूजन क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आता है। तो मुझे लगता है ये कोशिश नहीं है मेरी कि मैं फ्यूजन करूँ, मैं पैदा ही फ्यूज हुआ हूँ, मैं एक ज़माने में पैदा हुआ हूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक साउंड हमारे ज़िंदगी के हिस्सा बन चुका है, ये ब्लूज़ म्यूजिक रॉक म्यूजिक दुनिया छोटा हो चुका है बिकॉज ऑफ इंटरनेट, घर बैठे यूट्यूब में आप स्पेन से लेके ऑस्ट्रेलिया से लेके सब म्यूजिक सुन सकते हैं। सो मुझे फ्यूजन समझ नहीं आता, अब मुझे लगता है कि आप जो भी कर रहे हैं सीमलेसली फ्लो कर रहे हैं एक स्टाइल से दूसरे स्टाइल, और सब एक दूसरे में एक साथ है, मतलब ब्लूज़ भी मेरे अंदर है, फोक भी मेरे अंदर, गज़ल भी मेरे अंदर, मैं फ्यूज नहीं करने की कोशिश करता हूँ, फ्यूजन मैं ही हूँ, मतलब वो खुद निकलता है, तो मैं फ्यूजन कैसे अलग से एक जॉनरा बनाऊँ। ट्रू। और पापोन जो भी कर रहे हैं बहुत कमाल कर रहे हैं, बहुत सुर में कर रहे हैं। फोक म्यूजिक को लेकर जितनी कोशिशें हो रही हैं क्या उससे सेटिस्फाइड हैं पापोन, और अपने लेवल पर एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं वो भी जानेंगे। और फ्यूजन कोट अनकोट फ्यूजन की इतनी बात हो गई है तो ये सुन लेते हैं, कोक स्टूडियो में भी आपने सुना होगा, पापोन और हर्षदीप कौर 92.7 बिग एफएम, बिग म्यूजिक हाईवे। 92.7 बिग एफएम पर बिग म्यूजिक हाईवे इन एसोसिएशन विद पैडी फील्ड्स। संडे का दिन, एक्चुअली संडे की शाम, 92.7 बिग एफएम और पैडी फील्ड्स लेकर आ जाते हैं बिग म्यूजिक हाईवे, एक सफर जहां पे देश के कोने कोने से हम फोक म्यूजिक बटोर कर आपके सामने लाते हैं और कमाल के फोक आर्टिस्ट शिरकत करते हैं। और आज इस कोशिश में हमारे साथ पापोन, आसाम की आवाज लेकर, आसाम की खुशबू लेकर, ब्रह्मपुत्र की खुशबू लेकर। पापोन बहुत बहुत स्वागत, वेलकम 92.7 बिग एफएम पर बिग म्यूजिक हाईवे में। और क्या आपको ऐसा लगता है कि फोक म्यूजिक दूर होता चला जा रहा है लोगों से? बिल्कुल नहीं है एक्चुअली, मुझे इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी लगता है कि फोक म्यूजिक मासी का था, लोगों से आया था, लोगों की कहानियां थी, लोगों ने कहा था, लोगों के लिए था, और हजार हजार सौ सौ हर गांव में लोग जो भी संगीत गाते थे वही ओवर टाइम फोक म्यूजिक बन गया। तो उल्टा मुझे और आसान लगता है कि फोक म्यूजिक को लोगों तक पहुंचाना या फिर से उनको याद दिलाना, कि जस्ट द ओनली डिफरेंस दैट हम करते हैं जो ये है कि आज के साउंड्स को देखते हुए कि जो भी आजकल के साउंड्स है दुनिया में, कंप्यूटर में जनरेटेड म्यूजिक आ गया, कुछ नया डिजिटल साउंड आने लगे, और मैं तो कहता हूँ ये डिजिटल साउंड भी कुछ 50 साल बाद फोक म्यूजिक बन जाएगा। और जैसे ऐसी एक कोशिश पैडी फील्ड्स की भी है इसको मासेस तक पहुंचाने की, फोक म्यूजिक को, तो जब पैडी फील्ड्स वालों ने आपको अप्रोच किया तो पहला थॉट क्या था दिमाग में? नाम सुन के अच्छा लगा था, तो मुझे लगा ये फेस्टिवल करना चाह रहे हैं बॉम्बे के अंदर, मतलब मुझे लगा क्या है ये, बॉलीवुड है नहीं है, सिर्फ फोक है क्या नहीं है, तो बस खुशी हुई जान के कि नो जिसका भी कॉन्सर्ट, और उन्होंने बहुत कुछ सोचा था, अब पता नहीं कहाँ तक मटेरियलाइज हुआ है, पर बहुत इंटरेस्टिंगली सोचा था इस फेस्टिवल को शुरू करने का, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट का लाइनअप है, बहुत अच्छा, मतलब बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। तो म्यूजिकल जर्नी चल रही है पापोन, वो जो एक बहुत ही फेवरेट, मेरा तो बहुत ही फेवरेट है झूमर, आसाम में ट्राइब जो है टी के, उनको 500 साल पता नहीं कितने साल पहले, बहुत साल पहले द इंग्लिश पीपल, अंग्रेज ले गए थे वहाँ झारखंड से, तब के बिहार से, बंगाल से, उड़ीसा से, सब जगह से जाके वहाँ देश वहाँ मिलजुल के इतने सालों में वो भी भूल गए, उनका रूट्स वो गया, और यहाँ पे आसाम से मिलके लोकल कुछ भाषाओं के साथ करके उनका ऐसा एक भाषा बन गया है जो अलग ही है, जो टी गार्डन में होता है, उनका म्यूजिक को झूमर कहते हैं, डांस फॉर्म है उसको भी झूमर कहते हैं, तो ये सब मिक्स करके उनका ये लैंग्वेज बना बहुत। इट्स झूमर, इट्स लाइक टी गार्डन सॉन्ग।
কেতু কে বাঁধি দেলা হিলগি বিলগি কুপা হাইরে কেতু কে বাঁধি দেলা হিলগি বিলগি কুপা হাইরে একে তোকে নজরি লাগায় কে তোকে নজরি লাগায় হে বৃন্দাবন হো হারে রে সখী কে তোকে নজরি লাগায় হে বৃন্দাবন রস লাগায়। लगता है ना कि टी गार्डन में पहुंच गए हैं आसाम के। यही खुशबू होती है फोक म्यूजिक की। आज पापोन हमारे साथ बिग म्यूजिक हाईवे में। एसएमईज फोक म्यूजिक के अलावा और कहां कहां का फोक म्यूजिक बहुत अट्रैक्ट करता है और एक बहुत ही बड़ा काम कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, जिसमें सोनू निगम भी हैं, शुभा मुद्गल भी हैं, श्रेया घोषाल भी हैं और अमिताभ बच्चन भी हैं, ये भी जानेंगे आज बिग म्यूजिक हाईवे में। यही सुन ले झूमर पापोन दुलाल मनकी और सीमांता शेखर 92.7 बिग एफएम। मैं हूं सिद्धार्थ। 92.7 Big FM पर Big Music Highway in association with Paddy Fields। संडे की शाम 92.7 Big FM और भी खास शाम हो जाती है ये, क्योंकि Big Music Highway पर निकल पड़ते हैं हम लोग फोक म्यूजिक को ढूंढते हुए, जमा करते हुए। Paddy Fields और 92.7 Big FM लेकर आते हैं Big Music Highway, एक कोशिश फोक म्यूजिक को जानने की, समझने की, उसे और एंजॉय करने की। आज इस कोशिश में हमारे साथ पापोन, ब्रह्मपुत्र की आवाज, आसाम की आवाज और बॉलीवुड में इतना बड़ा नाम बन चुके हैं पापोन। थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम 92.7 बिग एफएम पर। अहोमिया म्यूजिक जो है, जो फोक म्यूजिक है, अहोमिया का मतलब एसमीज फोक म्यूजिक, उसके अलावा किस और फोक म्यूजिक से आप बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड है? हर एक फोक से मैं इंस्पायर्ड हूँ, बिकॉज फोक का जो नेचर है, फोक का जो कोर है, जो सोल है, वो दुनिया भर में सेम है। और मेरे पिताजी आई थिंक इज वन ऑफ द बेस्टेस्ट फोक म्यूजिशियन जो थे, तो उन्होंने मुझे फोक का एसेंस समझाया और फोक को अलग नहीं किया जिंदगी से। उन्होंने, उनका बहुत अच्छा बैंड था, लाइक ए फुल ऑन बैंड, लाइक 10-piece बैंड, एंड उनको मैंने देखा था वो फोक म्यूजिक यहाँ के, सिर्फ आसाम के नहीं, अहोम के नहीं, हर जगह के, लाइक राजस्थान के, कहीं के, हर जगह, नेपाल में उन्होंने वो गाने गए थे, तो नेपाल के राजा के दरबार के जो फोक के राजा थे, उन्होंने अपना टोपी खोल के उनको पहना दिया था। बोला था कि ये लड़का छोटा सा आसाम से आया है, मुझे मेरे यहाँ का एक फोक म्यूजिक सुना रहा है जो मुझे नहीं पता था। तो मैंने तो आंसू आ जाते सब सोच के। तो आई एम सेइंग दैट वो फोक म्यूजिक में जो उन्होंने दिखाया कि पूरे दुनिया में एक चीज है और फोक इज जस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, इज कूल, अलग चीज नहीं है। और आसाम में एक बहुत बड़ा काम भी कर रहे हैं आप इस फील्ड में ही। सो बेसिकली सरकार ने, गुवाहाटी में मुख्यमंत्री जी ने, उनका एक सपना था कि एक कुछ ऐसा करेंगे हम जिसमें वी कैन प्रोमोट असम, असम को बाहर ले जाएंगे, लोगों को टूरिज्म के लिए और इंडस्ट्री के लिए बुलाएंगे। तो ब्रह्मपुत्र को ही वांटेड कि नदी सालों से जो जब से भी बह रहा उसको थोड़ा वी शुड यूज इट अगेन। काफी ऐसा भी हुआ है टाइम की फ्लड जो है, लोगों को लगा कि ब्रह्मपुत्र के वजह से हुआ है, इसे लेट्स बी पॉजिटिव अबाउट द रिवर। तो एक कुछ ऐसा करते हैं फेस्टिवल एंड आप इसके लिए एक थीम सॉन्ग बनाएंगे। आजकल होता है ना फेस्टिवल के लिए गाना, जो भी मोंटाज सॉन्ग काइंड ऑफ थिंग, सो वो था और उसको मैं गा लेता, उनका ये था, उससे ज्यादा कुछ उन्होंने बोला नहीं। फिर मैंने सोचा कि अगर ये मौका मिला है ब्रह्मपुत्र के लिए कुछ करने के लिए, सो आई टोल्ड देम कैन आई मेक अदर्स लॉट्स ऑफ सिंगर्स सिंग दिस, मे बी रेस्ट ऑफ इंडिया एवरीवन शुड सिंग फॉर ब्रह्मपुत्र, क्योंकि आज तक गंगा के ऊपर मैंने गाना सुना, ब्रह्मपुत्र के ऊपर इतने नहीं सुने कि पूरा देश गाए, ऐसा नहीं हुआ है। और क्योंकि मैं वहां से हूं, मुझे लगा कि मैं करूं। उन्होंने, बहुत अच्छी बात है अगर ये हो पाए, बजट नहीं है इसके लिए, लेकिन अगर आप अपना लेवरेज करके जो भी पोजिशन आप कर पाएंगे तो बहुत अच्छा। सो आई कॉल्ड वन बाय वन ऑल माई फ्रेंड्स एंड यू नो फैमिली द इंडस्ट्री फ्रॉम हियर, लाइक सोनू निगम, शुभा जी, शुभा मुद्गल जी। फिर ऐसे करते करते शंकर माधवन, विशाल शेखर, श्रेया तो दोस्ती है, तो ऐसे करते करते सबने जब हाँ किया तो मुझे लगा ओ नाउ लोग सीरियसली ले रहे हैं और मुझे कुछ अच्छा करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ज्यादा ही प्रेशर हो गया। आई स्टार्टेड द सॉन्ग विद खोल, खोल इज इंस्ट्रूमेंट वी प्ले देयर, खोल वी कॉल इट, उसका ताल और राग अलग होता है। सो वो बोल सुनते ही बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोगों का है ताओ ताओ खितिताओ रेन खेता घिनिताओ खिता घिनिताओ, मुझे लगा बोल भी और इंटरेस्टिंग है। तो जिस सॉन्ग हैपेंड एंड द चेरी ऑन टॉप वाज अमिताभ बच्चन जी, ही आल्सो सैंग। उसके बाद मैंने एक और वर्जन बनाया, उसका असमीज में भी बनाया, अहोमिया में, जिसमें आसाम के पुराने से लेके अब तक आई थिंक 14-15 लोगों ने गाया उसको, असमीज वर्जन को। सो ये आई थिंक ये एक ऐसा हो गया जो सोचा नहीं था और जो शायद अब हम मुड़ के देखेंगे कभी तो लगेगा कि यार ये कैसे हो गया। ऑल द वेरी बेस्ट पापोन, बिग म्यूजिक हाईवे। आज बस इतना ही, अगले हफ्ते एक और कमाल के आर्टिस्ट होंगे हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, इजाजत। 92.7 बिग एफएम पर नमामी ब्रह्मपुत्र सुन ले, पापोन का ही गाना है ये। 92.7 बिग एफएम, शुक्रिया, इजाजत।